आदरणीय राजा जी को निवेदन करूंगा कि वो शांति और न्याय की तलाश क्यों जरूरत है और समकालीन समय में गांधी विचार किस तरह से प्रभावी एक वक्तव्य हो सकता है और जो वो सोचते हैं इसके साथ साथ वो हमारे विद्यार्थियों के बीच में शेयर करें और प्लीज अपनी बात को जितने देर करना चाहें वो कहें। श्री पी वी राजगोपाल जी नमस्ते। तो क्या सवाल अभी पूछना चाहते हैं या बाद में? ये रविंद्र बहन और रेवा बहन से सवाल अभी है या बाद में? कोई कुछ कह नहीं रहा, देखें क्या क्या बचा है अभी। बाद में, बाद में, बाद में तैयारी है सवाल पूछने की। बहुत अच्छी बात। तो मेरे साथ और भी लोग आए हैं, तो 50 लोग आए। एक तो बेटा देवाशीष भाई, वो बंगाल से आए, वेस्ट बंगाल से आए हैं। एक तो यहाँ बैठा है फादर स्करिया आए, फादर स्करिया जी केरल से आए। और फादर स्करिया जी पीस एक्टिविस्ट हैं, कि वहाँ दो पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे को मार काट कर रहे थे पिछले कई वर्षों से, और एक दो साल की उनके मेहनत से वहाँ के मार काट खत्म हो, बहुत बड़ा काम। और उसके बाद जय सिंह जी बैठे हैं, जय सिंह जी चंबल घाटी से, वहाँ डाकुओं का समर्पण हुआ, उसके बाद भाई सुखराव जी और साथियों के साथ वो वहाँ काम करते हैं। सुधी बहन है उधर अंतिम में जो बैठे हैं, सुधी बहन तमिलनाडु से हैं, लेकिन उनकी मैरिज हुई गुजरात में, इसलिए मदर इन लॉ को साथ लेके आए हैं, दोनों आए। तो मित्रों, ये जो 50 लोगों की यात्रा है, इसमें 50 लोग, 15 लोग तो अलग अलग देशों के और 35 लोग हमारे देश के, वैसे 50 लोग एक साल के लिए निकले राजघाट से जेनीवा, पीस और जस्टिस, और जस्टिस और पीस, जस्टिस और पीस। ऐसा क्यों? जस्टिस होगा तो पीस होगा, नहीं तो पीस नहीं होगा, न्याय नहीं होगा तो शांति कहाँ होगा, नहीं? इसलिए न्याय और शांति के लिए ये यात्रा वैश्विक यात्रा, क्योंकि शांति आसमान से तो नहीं गिरने वाला, शांति होगी अगर न्याय होगा तो। जैसे कहा, परिवार में न्याय है तो परिवार में शांति है, समाज में न्याय हो तो समाज में शांति है, नहीं तो शांति नहीं है। तो न्याय और शांति एक साथ है, उसको अलग अलग नहीं कर सकते। सिर्फ पीस के लिए काम नहीं कर सकते, पीस के लिए काम करने का मतलब है जस्टिस के लिए भी काम करना। तो जस्टिस और पीस, जुड़वा भाई या जुड़वा बहन है, एक साथ चलते हैं। तो हम लोग राजघाट से शुरू की यात्रा, अब 2000 किलोमीटर पार करके आपसे मिलने की, 2000 किलोमीटर पैदल पैदल चल के 4 महीने में आपके पास पहुंचे। अभी अगला जो किस्त है वो ईरान से शुरू होगा, ईरान से जेनीवा तक, ईरान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, बल्गेरिया, बोस्निया, क्रोएशिया, इटली, ऐसे पास करके करके हम लोग स्विट्जरलैंड के जेनीवा शहर में पहुंचेंगे, एक साल यात्रा कर। तो मोटे तौर पर ऐसे मान लो 50 लोग, 11,000 किलोमीटर, 11 देश, एक साल, वो है यात्रा का स्वरूप। और जब हम जेनीवा पहुंचेंगे तो वहां और 10 देशों के लोग जय जगत यात्रा करके आएंगे। यात्रा का नाम जय जगत यात्रा। तो वो वहां से आएंगे, स्वीडन से आएंगे, यूके से आएंगे, बेल्जियम से आएंगे, जर्मनी से आएंगे, फ्रांस से आएंगे, स्पेन से आएंगे, और अफ्रीका से, सेनेगल से आएंगे, कई देशों से आएंगे। और हम 5000 लोग एक सप्ताह, 27 सितंबर से 2 अक्टूबर तक इस वर्ष, इस विषय पर विचार करेंगे कि दुनिया के सामने जिस प्रकार की समस्याएं हैं अब, उसको हल करने का क्या तरीका है। दुनिया के सामने जो समस्या है उसको हल करने का क्या तरीका हो सकता है, इस पर विचार करें। वो क्यों जरूरी है अभी, इस समय क्यों जरूरी है इसकी? तो महात्मा गांधी का 150 वर्ष, आपका यूनिवर्सिटी का नाम भी वही है ना, महात्मा गांधी विद्यालय यूनिवर्सिटी। तो महात्मा गांधी के 150 वर्ष में हमें लगता है कि दुनिया के समस्याओं को हल करने में महात्मा गांधी के विचारों का एक बड़ी भूमिका।
महात्मा गांधी के विचार को, महात्मा गांधी के सिद्धांत को ठीक से समझ लेंगे तो शायद दुनिया अपने समस्याओं का हल खोज सकता है, ऐसे हमारी मान्यता है। इसलिए हम महात्मा गांधी के विचार को लेते हुए यात्रा कर रहे हैं और यात्रा करते करते हम लोग हर देश में पीस कॉन्फ्रेंस होगा, जैसे कल यहाँ एक पीस कॉन्फ्रेंस शुरू होने जा रहा है 3 दिन के लिए, उसके बाद ईरान में पीस कॉन्फ्रेंस होगा, आर्मेनिया में पीस कॉन्फ्रेंस होगा, जॉर्जिया के प्रेसिडेंट और लोग पीस कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो हर देश में पीस कॉन्फ्रेंस होगा। उसके साथ साथ नॉन वायलेंस पर ट्रेनिंग होगा, अहिंसा सिद्धांत पर, अहिंसा के साइंस पर ट्रेनिंग होगा युवाओं के साथ, क्योंकि आपके एज ग्रुप के लोग हर देश में हैं तो उनका प्रशिक्षण होगा अहिंसा के ऊपर। तो पीस कॉन्फ्रेंस और नॉन वायलेंस पर ट्रेनिंग, ऐसे दो भाग में ये पूरे कार्यक्रम विभाजित है। तो उसमें जय जगत क्या है, अभी जय जगत का इतना महत्व क्या है, जिसको अभी हमारे रेवा बहन कह रहे थे आपसे, लोकली सोचो और ग्लोबली करो, एक्ट करो। मैं उल्टा कह दिया, पहले ऐसे नहीं कहते थे, क्या कहते थे, थिंक लोकली एक्ट करो, ग्लोबली सोचो, सोचो कहते, उन्होंने उल्टा बोल दिया कि लोकली सोचो ग्लोबली करो, एक्ट करो। तो लोकल क्या है कि हमारे देश में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, महावीर स्वामी का जन्म हुआ और महात्मा गांधी का जन्म हुआ, तो पीस का जो साइंस, नॉन वायलेंस का जो साइंस है, जितना यहाँ विकसित हुआ और कहीं विकसित नहीं हुआ। अरे भाई, न्यूक्लियर साइंस वहां विकसित हो गया होगा, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का साइंस वहां विकसित हो गया होगा, कई चीजों का साइंस उन्होंने बहुत आगे बढ़ाया, लेकिन पीस और नॉन वायलेंस का साइंस वो और किसी देश में इतना विकसित नहीं हुआ जितना यहां विकसित हुआ। इस बात को समझने की बात, अगर ये समझ में आ जाए तो हमको लगेगा कि आज दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज का, पीस का। बाकी सब है, पैसा बहुत है और मकान बहुत है, सड़कें बहुत है, गाड़ियां बहुत है, कुछ है, हमसे ज्यादा है, लेकिन क्या नहीं है, पीस नहीं है, अनरेस्ट है। तो लोकली सोचेंगे तो हमको समझ में आएगा कि हमारे देश में ये तो बहुत है, इसको एक्सपोर्ट किया जा सकता है, दिया जा सकता है दूसरों को। तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हमारे यहाँ जो साइंस है, हमारे यहाँ जो ज्ञान है, उसको समझना और उसको देने का कोशिश करना। इसलिए फिर जय जगत की कल्पना आई। तो जय जगत कोई पहली बार नहीं आई, वसुधैव कुटुंबकम सुना है ना, तो कितने पुराना है, 5,000 साल पहले की बात कह रहा हूं। वसुधैव कुटुंबकम माने पूरी धरती, पूरी वसुधा एक कुटुंब है। एक कुटुंब तो क्या होगा, मेरे भाई को तकलीफ होगा तो मेरे मन में भी तकलीफ होगा, मेरे बहन को तकलीफ होगा तो मुझे तकलीफ होगा, मेरे माँ बाप तकलीफ में होगा। कुटुंब का क्या मतलब, कुटुंब को ऐसे कहने का चीज नहीं है। कुटुंब में अगर एक दूसरे को तकलीफ होगा तो हम उसको मदद करते हैं। तो अगर वसुधा अगर एक कुटुंब है तो जहां जहां तकलीफ है वहां हमारी मदद पहुंचनी चाहिए। उसके बाद हमने कहा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, नहीं कहा भारत में तो आया हो ये बात, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका सुख हो। वो चाहते तो इतना कह सकते कि भारतवासी का सुख हो, लेकिन हमारे सोचने वाले लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा सुख होता नहीं, सुख तो ऐसे टुकड़ों में थोड़ी होता, सुख होगा तो पूरे प्लैनेट में सुख होगा, दुख होगा तो पूरे प्लैनेट में दुख होगा, क्योंकि एक दूसरे से व्यवहार के दूसरों को दुख पहुंचता है। फिर महात्मा गांधी ने भी अपना जो बात जब रखा तो उन्होंने सबसे सुंदर व्यवस्था का नाम क्या कहा, सर्वोदय का, सबका उदय। उन्हें भारत वालों के उदय की कल्पना नहीं की, सर्वोदय का। तो उसके बाद फिर जय जगत, जय जगत माने सबका जय हो, ऐसा नहीं कि एक देश जीत जाए बाकी सब पराजित हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो इसलिए ये जो कल्पना है, हमारे देश में अहिंसा और शांति का एक बड़ा इतिहास है और वसुधैव कुटुंबकम जय जगत जैसे कल्पना है, अब ये कब काम आएगा। ये जो साइंस है, ये जो समझ है, इसको अब दुनिया को जरूरत है। चलो तो इसको लेके चलते हैं, ऐसे जय जगत अभियान जस्टिस और पीस के लिए शुरू हो गया। तो वहां
हम लोग जब जेनीवा में रहेंगे तो विश्व बैंक से बात होगी, आईएमएफ से बात होगा, डब्ल्यूटीओ से बात होगा, यूनाइटेड नेशन से बात होगा, ये सब बातचीत में क्या करेंगे? हम लोकल इश्यूज को ग्लोबल से मिलाने का कोशिश करेंगे। विदर्भ में किसान आत्महत्या करता है, वो विदर्भ का ही प्रॉब्लम है क्या? वो दुनिया का प्रॉब्लम है, क्योंकि डब्ल्यूटीओ जिस प्रकार का नियम कानून पारित करता है उसका सीधा असर यहां किसान पर पड़ता है। नहीं, अगर डब्ल्यूटीओ कहेंगे कि अब ऐसा का नया कानून बने तो फिर किसान जो उत्पादन करता है उसका मार्केट नहीं होगा। ऐसे कई कई विषय है। अब जैसे सरसों का खेती करने वाला अब कहता, भैया इंडोनेशिया से तेल आ रहे हैं तो मेरा कुछ बिकता नहीं, सरसों का तेल बिकता नहीं है क्योंकि वहां से पाम ऑयल बहुत आ रहा है, सस्ते में आ रहा है। नहीं तो डब्ल्यूटीओ को यह समझ में नहीं आता वहां बैठे हुए लोगों को कि किसान आत्महत्या से हमारा क्या रिश्ता। जब हमारे आदिवासियों का विस्थापन हो रहा है, सब सड़क पर आ रहा है, तो वर्ल्ड बैंक का इससे क्या रिश्ता है? विश्व बैंक जब कहता है कि तुम इतना करोड़ रुपया ले जाओ और पेड़ लगाओ, तो पेड़ कहां लगाए? जमीन पर तो लगेगा ना पेड़, ये जमीन कहां से आएगा? आदिवासी का जमीन जिसपे वो जनरेशन से जोत रहे हैं, कई वर्षों से जोत रहे हैं, क्योंकि अपने बाप दादाओं ने कहा सब ये सब जमीन तुम्हारा है, उनको कागज की आदत नहीं है। नहीं, ये जो लिखने वाला संस्कृति तो नया है, ओरल संस्कृति बहुत पुराना है, तो उनको पता नहीं है कि ये कागज वागज कहां से आ गया, अचानक कानून नियम कहां से आ गया। तो जैसे पेड़ लगाने का कानून आ गया तो बस आदिवासियों को कहा भाग क्यों यहां से, फिर किसी को लगा कि टाइगर पालना बहुत जरूरी है, आदिवासियों को वहां से भगाओ, किसी को लगा बड़े बड़े बांध बांधना है ताकि पानी से बिजली पैदा करना है, तो बिजली बांध बांधेगा तो आदिवासी वहां से जाएगा। तो धीरे धीरे जितने ग्लोबल डिसीजन से उसका असर हमारे ऊपर आने लगा। ये सामाजिक काम करने वाले, सोशल वर्क के फील्ड में काम करने वालों को समझना बहुत जरूरी है कि ये जो इंटरलिंकेज है माइक्रो और मैक्रो, माइक्रो रियालिटीज का मैक्रो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से बड़ी रिश्ता है। अभी विश्व बैंक ने कह दिया कि जो देश ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट लाने में सफल होगा उनको हम ज्यादा ग्रेड देंगे, ग्रेड समझ रहे, मार्क देंगे। हमारे क्लास में होता वैसे हर देश प्राइमरी स्कूल के बच्चे जैसे वर्ल्ड बैंक के पीछे भाग रहे हैं किताब लेके, मेरा ग्रेड थोड़ा बढ़ा दो। इसका क्या मतलब है? इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे वाले आएंगे, उनको बिजली देंगे, उसको पानी देंगे, उनको जमीन देंगे, तो ग्रेड बढ़ जाएगा। और ये पानी जमीन सब कहां से देगा? गरीब आदमी का, किसान का, इसलिए भूमि अधिग्रहण होगा, भूमि अधिग्रहण करके उनको देने के लिए सरकार बाध्य है, इसलिए किसान को मार पीट के बुलडोजर चला के जेल में भेज के सब करते हैं। तो ये हमारे सोशल वर्क में ये समझना है कि माइक्रो मैक्रो रियालिटी इसका बड़ा संबंध है, और हम जो रोज चीज को देखते हैं उसको मैक्रो रियालिटी के साथ जोड़ के देखना है। ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं, हमारे आदिवासी भाग रहे, हमारे गरीब झोपड़ी में जा रहा है, ये क्या हो रहा है? तो धीरे धीरे हमें लगा कि ये कोई एक देश का प्रॉब्लम है क्या? नहीं, यहां तो फिर भी ठीक है, ब्राजील जाकर देखो। सुना है ब्राजील, लैटिन अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, ब्राजील में क्या हालत है? 80% लोग झोपड़ियों में पहुंच गए। हमसे 2.5 गुना बड़ा देश, जमीन की कोई कमी नहीं, फिर भी 80% लोग झोपड़ियों में पहुंच गया, क्योंकि डंडा मार मार के सबको जमीन से खदेड़ दिया और सब झुग्गी झोपड़ियों में शहरों में आकर बस गए, जीवन चलाना है कैसे भी कर। तो अभी भी हम 60% लोगों को गांव में दिखाए हुए, लेकिन विकास के नाम पर और ज्यादा ताकत लगा देंगे तो वो भी चला जाएगा, सब गांव छोड़ के शहर जाने के लिए बाध्य होगा, झुग्गी झोपड़ी बढ़ेगा वगैरह। तो ये रियलिटी को समझने का है। तो हमने सोचा कि इस यात्रा के दरमियान 4 मुद्दों पर बात करेंगे, क्योंकि यूनाइटेड नेशन क्या कह रहे हैं? यूनाइटेड नेशन कह रहे हैं कि 2030 तक 17 SDG गोल, आपने सुना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17, तो हमने उस 17 को 4 में ला के बांध दिया,
चार ब्लॉक में डाल। ब्लॉक क्या है? ब्लॉक नंबर वन, गरीबी खत्म करना ही कर, क्योंकि ये भारत में भी है, ब्राजील में भी है, केन्या में भी है, यूरोप में भी है, कनाडा में भी है, सब गरीबी, गरीबी बहुत व्यापक। आप अखबार में पढ़ा कि मेडिटेरेनियन सी में कितने लोग मर रहे, क्योंकि वो जान बचाने के लिए, पेट भरने के लिए अफ्रीका से भाग रहा है। ऐसे ऐसे खराब खराब बोट में बैठ के जा रहे हैं कि वो बोट डूब के मर रहे हैं। और वहां क्या कर रहे हैं? यूरोप वाले दीवार बना रहे, आने वालों को रोकने के लिए फेंसिंग कर। अमेरिका वाला क्या कर रहा है? मेक्सिको वाले को रोकने के लिए दीवार बना रहे। तो ये कैसे दुनिया में हम जी रहे हैं? एक तरफ अत्यधिक गरीबी, और जिसके पास है वो बिल्कुल शेयर नहीं करना चाहता। तो सोच लो क्या होगा, फिर कहाँ जाएंगे? नहीं, हमारे देश में भी होगा ऐसे ही। नहीं, रोहिंग्या बर्मा से आए तो उसको क्या कह रहे हो? वापस जाओ, वहां तो गोली से मरेगा, लेकिन हम कह रहे हैं वापस जाओ, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए जगह नहीं। नहीं, तो ये एक जो प्रॉब्लम है, गरीबी व्यापक है, उसको लेके हम लोगों को बहुत गंभीरता से काम करना है। दूसरा, असमानता बहुत है दुनिया में। अभी एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ, उसको आपने पढ़ा होगा, भारत के बारे में, ग्लोबल रिपोर्ट है। ग्लोबल रिपोर्ट में भारत का हिस्सा क्या कह रहा है? भारत का हिस्सा ये कह रहा है कि भारत में 119 बिलियनर्स, बिलियनर्स बिलियनर्स है। पिछले साल 108 था, अभी बढ़ गया तो 119। 119 बिलियनर्स में 58 लोगों के पास इतना पैसा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बजट के बराबर। तो 58 लोग चाहे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चला सकते, उतने पैसा है, पैसे का अंबार। और नीचे 60% लोगों के पास कितना परसेंटेज है वेल्थ? 4.7%। 4.7% ऑफ वेल्थ पर 60% लोग टिके हैं, जबकि बिलियनर्स की संख्या 119 है, जो पूरे देश को खरीद सकते हैं पैसे। ये भारत की स्थिति है। आप लोग रिपोर्ट उठा के देखिएगा, ऑक्सफॉर्म वालों का रिपोर्ट है, तो उसमें समझ में आएगा। तो इतनी असमानता में वायलेंस होगा कि नहीं होगा? अब इतनी असमानता में क्यों वायलेंस नहीं होगा? वायलेंस होगा इसलिए असमानता एक बड़ी समस्या है दुनिया भर में, उसको खत्म करना ही करना, उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। तीसरा प्रॉब्लम है क्लाइमेट क्राइसिस। क्लाइमेट क्राइसिस गंभीर प्रॉब्लम है। अभी आप क्लाइमेट क्राइसिस के विरोध में बड़ा आंदोलन यूरोप में चल रहा है, देख रहे ना, ग्रेटा के नेतृत्व में, वो सड़क पे, फ्राइडे फॉर फ्यूचर, फ्राइडे स्कूल के बच्चे सब बाहर सड़क पर, वो क्या कहता है कि पढ़ के क्या करेंगे, अब दुनिया ही नहीं रहेगा, डिग्री लेके करेंगे, क्योंकि साइंटिस्ट कह रहे हैं कि 10 साल के अंदर दुनिया खत्म हो जाएगा। 10 years टू गो, सिर्फ 10 साल है आपके सामने। सारे लक्ष्मण रेखा पार कर चुके, 11 लक्ष्मण रेखा में 7 लक्ष्मण रेखा पार हो गया 4 बार, अगर वो भी पार हो जाएगा तो 10 years टू गो। तो लोग घबराए हुए हैं कि पढ़ लिख के क्या करेंगे, तो इसलिए सड़क पर आ जाओ, तो सब बच्चे स्कूल से बाहर निकल। तो ये गंभीर समस्या है कि हम अपने तौर तरीका नहीं बदल रहे हैं, जीवन शैली नहीं बदल रहे हैं, खरीदने बर्बाद करने के तरीका बदल नहीं रहे, लेकिन क्लाइमेट क्राइसिस कैसे खत्म हो? तो क्लाइमेट क्राइसिस एक इश्यू, आगे वायलेंस, हिंसा बढ़ रही, हिंसा को बेचने वाले लोग उसको व्यापार बना के सब जगह पहुंच जा रहे, सब स्कूल कॉलेज में आ गए। बुलिंग तो सब जगह है ही नहीं, लेकिन भाषा भी, अब आप सुनते होंगे, आप सोशल वर्कर से, इसलिए आपको पता है कि लड़के आपस में जब बात करते हैं तो क्या भाषा इस्तेमाल करता है, बहुत ही वायलेंट भाषा इस्तेमाल करता है। कितने भी खिलौना बाजार में सब वायलेंस को प्रमोट करता है, कितने भी फिल्म है वो सब दो दो बंदूक लिए हीरो को प्रस्तुत करते हैं आपके सामने। और दो मीडिया है, सोशल मीडिया है, बहुत गंदी गंदी चीजें, बहुत वायलेंस को प्रमोट कर रहे हैं। तो इसके पीछे कौन है? कौन इसको करवा रहे? तो जो हथियार बेचने वाले और हिंसा को व्यापार बनाए हुए लोगों को, ये जरूरी है कि लोगों का मन हिंसा को स्वीकार करे और अहिंसा को नकार। वो कहता है कि अहिंसा कमजोरों का है, अहिंसा तो आउटडेटेड है, अहिंसा में कोई दम नहीं है। नहीं,
इसलिए महात्मा गांधी को भी नकारना जरूरी है। तो बहुत ह्यूज टास्क है, अहिंसा को नकारना और हिंसा को ग्लोरीफाई करना, ग्लोरीफाइंग वायलेंस एंड रेडिक्यूलिंग नॉट वायलेंस, ये है अभी जो हो रहा है और उस पर बहुत इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो हम लोगों ने सोचा इन चार मुद्दों को लेके लंबी यात्रा करना चाहिए। गरीबी खत्म करना है, असमानता खत्म होना है, क्लाइमेट क्राइसिस को चैलेंज करना है, जलवायु प्रदूषण को चैलेंज करना है और हिंसा को समाप्त करना है। तो बड़ी यात्रा चाहिए, छोटे छोटे एक्शन से होगा ना, छोटे एक्शन से एक ब्लॉक का काम होगा, छोटे एक्शन से एक देश का काम होगा, लेकिन ग्लोबल काम करना हो तो उसके लिए ग्लोबल मार्च की जरूरत है। तो इसलिए जय जगत शब्द लेके चल पड़े महात्मा गांधी के 150 वर्ष में। तो हम क्या चाहते हैं कि 50 लोग चले लेकिन 50 लाख लोग हमारे साथ जुड़ जाए। फिजिकली चलना कोई जरूरी नहीं, मेंटली भी तो चल सकते हैं और अपने अपने फेसबुक से चल सकते हैं, अपने अपने व्हाट्सएप से चल सकते हैं, अपने सारे जितने संदेश भेजने का काम कर सकते हैं। तो एक ग्लोबल कैंपेन बनेगी, ये छोटे मोटे कैंपेन से समस्याएं हल नहीं हो, सारे देश के सोशल वर्कर्स और सोशल वर्क इंस्टीट्यूट लग जाए इस कैंपेन को सफल बनाना। हम सवेरे से शाम तक चार मैसेज भेजेंगे लेकिन इसी विषय पर मैसेज, और लोगों को तैयार करेंगे कि हिंसा खत्म होना, क्लाइमेट क्राइसिस से डील करना है और गरीबी खत्म होना, असमानता खत्म होना है, और यही एक साल का हमारा सबका कैंपेन। तो बहुत फर्क हम ला सकते हैं। तो इसलिए पिछले दिनों में हमने भारत में बहुत कोशिश की, आपको पता है कि हमने नॉन वायलेंस को स्केल अप करने का कोशिश किया, नॉन वायलेंस को रेडिकूल करने वाले एक दुनिया में हम सब लोग मिलकर नॉन वायलेंस को स्केल अप कर सकते। एक बार हम लोग 25,000 लोगों को लेके ग्वालियर से दिल्ली की यात्रा की, 25,000 लोग सड़क पर सो रहे हैं, सड़क पर खा रहे हैं, नेशनल हाईवे में पूरा समय एक महीना। तो क्या हुआ, फिर गवर्नमेंट ने कहा अच्छी बात है आदिवासियों को जमीन देने का कानून बनाया, तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आया। इसलिए आया 25,000 लोग एक महीना सड़क पर सोने खाने के बाद फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। फिर 2012 में उसको और स्केल अप किया, 1,00,000 लोग, 1,00,000 लोगों को दिल्ली तक पहुंचने नहीं दिया तब तक वहां से दौड़ के आ गए जयराम रमेश का साइन करता हूं जो जहां साइन करना। तो उसमें क्या आया, लार कहते हैं, लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन रिसेटलमेंट एक्ट आया, कि भूमि अधिग्रहण ही नहीं, भूमि अधिग्रहण के साथ साथ पुनर्वास भी होना। आपने देखा होगा वो जो नया कानून 2013 में आया, 2012 के आंदोलन के बाद आया, अहिंसात्मक आंदोलन, और उसमें उन्होंने कहा है कि अच्छे जमीन नहीं लेंगे किसी भी विकास के काम के लिए, जो भी जमीन लेगा जमीन के मालिक को नहीं, जमीन के काम करने वाले लोगों का भी पुनर्वास करेंगे, 80% लोगों के अनुमति के बिना जमीन नहीं लेंगे, और जमीन 5 साल तक उपयोग नहीं किया तो वापस करेंगे। ये सब प्रोग्रेसिव प्रोसेस कहाँ से आए, ये लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन रिसेटलमेंट एक्ट 2013। ठीक है, तो नॉन वायलेंस को स्केल अप करने का टाइम, इसमें ये कहने का टाइम नहीं नॉन वायलेंस काम नहीं करता, नॉन वायलेंस को इतना स्केल अप करो कि करना ही पड़े। अगर महात्मा गांधी नॉन वायलेंस को इतना स्केल अप कर लिया कि ब्रिटिश लोगों को जाना ही पड़े, नहीं इतना, अब उसका पावर देखो आप कि नॉन वायलेंस को इतना पावरफुल बनाया महात्मा गांधी ने कि ब्रिटिश लोगों के सामने कोई रास्ता ही नहीं था जाने का। तो हम लोग भी आज भौगोलिक समस्याओं को देख के ऐसे चुपचाप बैठने के बदले ये सोचना है कि हिंसा और चुप्पी के बीच में एक रास्ता है, बिटवीन साइलेंस एंड वायलेंस देयर इज नॉन वायलेंस, एक्टिव नॉन वायलेंस। चुप रहना भी अपराध है, बंदूक उठाना भी अपराध है। अभी बिहार में हमारे साथी लोग क्या नारा लगाते हैं, बंदूक नहीं कुदाल चाहिए, सब हाथ हर हाथ को काम चाहिए, ऐसा कहते हैं, बंदूक से कोई फायदा नहीं, हर आदमी को काम चाहिए। तो इसलिए चुप्पी और हिंसा के बीच में एक्टिव नॉन वायलेंस वाला जो एजेंडा है उसको अगर हम सब लोग इस्तेमाल करेंगे तो आज दुनिया के सामने समस्या जो है उसका समाधान की ओर भारत दुनिया को ले जा सकता, ये समझना और उसके लिए काम करना ये बहुत जरूरी है। तो बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों के साथ यह संवाद हुआ और
अब दो तीन दिन हम लोग यही रहने वाले हैं, समय मिला तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाएं। और भी 50 लोग हैं वहाँ, आप जिसको जिसको पकड़ना पकड़ के बात करिएगा, सब सामाजिक काम में बहुत अनुभव रखने वाले लोग हैं, इसको आगे बढ़ाएं। लेकिन सिर्फ संवाद को आगे न बढ़ाएं, आप सब लोग सोशल वर्क फील्ड में मनोज भाई के नेतृत्व में आगे बढ़ने वाले हैं, तो सोचो कि गंभीरता से सोचो कि इस समय हम ग्लोबल प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस करें, उसका जवाब कैसे तलाशें, वही आज की आवश्यकता है। ठीक है, सबको नमस्कार और जय जगत। जय जगत।